हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। हंसते मुस्कुराते बच्चे हम सबका घर आंगन महकाते हैं। इनकी एक मुस्कान हमारे दिन भर की थकान उतार देती है। लेकिन आज जिन दो बच्चों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके चेहरों पर आई मुस्कान के पीछे एक अनोखी लेकिन सच्ची कहानी है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली कहानी। नाम है इनके पिंकी और गुटरू। ये दोनों बच्चे कटे हुए होंठ यानी क्लेफ्ट लिप्स लेकर पैदा हुए थे और सालों साल तक गरीबी के चलते इनके माँ बाप ना तो इनका इलाज करा पाए और ना ही देख पाए इनकी शरारत भरी मुस्कान। और जब यूं लगा कि मदद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इनके माँ बाप ने सुना एक मददगार का नाम, स्माइल ट्रेन। दिल को छू लेने वाली ये कहानी हो सकता है आपको रुलाए भी, लेकिन उसके बाद जो चमक आपके चेहरे पर आएगी वही इसका असली मकसद है। तो आइए देखते हैं स्माइल पिंक। आज पिंकी और गुटरू स्कूल जाते हैं और वो भी दूसरे बच्चों की तरह हंसते हैं, खेलते हैं और उधम मचाते हैं, और उनकी आंखों में है खुशियों और सेहत से भरी जिंदगी का सपना। लेकिन स्माइल ट्रेन का सफर बस इतना ही नहीं है। आज भी लाखों बच्चे हैं जो कटे हुए होंठ या तालू की वजह से अपनी मुस्कान और अपनी खुशियों से महरूम हैं। उन्हें इंतजार है तो बस किसी ऐसे दूत का जो उनका दामन खुशियों से भर दे, और वो देवदूत आप हो सकते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे को जानते हो तो उसे या उसके घर वालों को नजदीकी स्माइल ट्रेन सेंटर के बारे में बताएं। स्माइल ट्रेन संस्था हर साल भारत में करीब 50,000 बच्चों का ऑपरेशन कराती है, और वो भी एकदम मुफ्त। और आज तक कोई भी जरूरतमंद स्माइल ट्रेन सेंटर से निराश होकर नहीं गया। स्माइल ट्रेन संस्था के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं या फिर किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए दान देना चाहते हैं, तो कृपया smiletrainindia.org पर लॉग ऑन करें या फिर अपने मोबाइल से SMILE स्माइल लिखकर हमें 56677 पर SMS करें। स्माइल ट्रेन के प्रतिनिधि आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। आपकी इस छोटी सी मदद से किसी जरूरतमंद बच्चे और उसके माँ बाप के चेहरे पर तो मुस्कान आएगी ही, उससे भी बड़ी मुस्कान आएगी आपके चेहरे पर। तो आप है ना हमारे साथ, स्माइल ट्रेन के साथ। आपकी एक छोटी सी मदद किसी मासूम की जिंदगी बदल सकती है।